का जो स्टॉक है वो है ग्लैंड फार्मा। इस स्टॉक को हमने पहले भी रिकमेंड करा था अराउंड 2400-2500 के अराउंड, इस स्टॉक को रिकमेंड करा था, वहां से एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। बड़े अपमूव के बाद स्टॉक दोबारा से एक बेस बना रहा है एक अनदर बिग अपमूव के लिए, तो दोबारा से ग्लैंड फार्मा के अंदर निवेश की राय है। देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, लिमिटेड डेटा है, लेकिन जो लिमिटेड डेटा है उस पर चार्ट बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट आने को है। इसका ब्रेकआउट आ जाने के बाद स्टॉक में आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। स्पुटनिक 5 वैक्सीन के लिए भी ये कंपनी काम कर रही है, बड़ा केपेक्स प्लान कर रही है, तो ग्लैंड फार्मा बाय करके चलें। 3000 के आसपास एक बेस बन चुका है। ऊपर जो हमारे टारगेट है, पहला टारगेट है 3800 का, 3800 रुपए का पहला टारगेट, 4300 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है जो कि इसमें आपको कम समय में देखने को मिलेगा। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए ग्लैंड फार्मा में खरीदारी करें।